afternoon to everyone. आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि अस्पताल में एक नया प्रोसीजर हुआ है और आप सब पत्रकार लोगों को बताना जरूरी है ताकि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुँच सके। लास्ट टाइम भी यहाँ पे मिले थे, उस समय किसी और वजह से। आज हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करनी है, जो एक बड़ा ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके लिए अस्पताल में काफ़ी तरह की सुविधाएं होनी जरूरी है, क्लिनिकल स्किल सेट होना जरूरी है, कमिटेड नर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीज़ों का एक ही छत के नीचे रहना बहुत जरूरी है। तो पारस हॉस्पिटल जो है, जो पिछले 4 साल से कार्यरत है, ट्रांसप्लांट की सर्विसेज आरम्भ कर दी गई हैं, कर ली हैं, और ये हमारा दूसरा सक्सेसफुल बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। ये भी कई तरीके के होते हैं जिसकी बारे में डॉक्टर अजय शर्मा जी विस्तार में बताएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो हम 2 कर चुके हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट तैयारी है वो एलोजेनिक की है, और आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अजय शर्मा जी टू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड द रोल ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड द यू नो एक्सपर्टीज डायग्नोस्टिक्स एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक इट सक्सेसफुल इन एनी हॉस्पिटल। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Bone marrow transplant or stem cell transplantation, as it is known more commonly now, is actually a curative treatment mostly for many diseases. Basically, ये जो blood diseases हैं, चाहे वो blood cancers हो या कुछ तो बचपन से जो defect होते हैं, ऐसी बीमारियाँ हो, उसके लिए आज हम ये stem cell transplant या bone marrow transplant करते हैं। उसको commonly BMT के नाम से जाते हैं। BMT जो है, अब ये वर्ल्ड ओवर इट इज़ ए फेयरली कॉमन प्रोसीजर, लेकिन कंपैरेटिवली हमारे कंट्री में थोड़े कम होते हैं। तकरीबन आज की डेट में अगर हम मिलाएं तो अबाउट 20,000 ट्रांसप्लांट्स हो पाते हैं इतने बड़े तरीके में एक साल में, और उसमें फिर शॉर्ट लॉग्स होते हैं, कुछ जरूरत नहीं होते हैं। तरह तरह के ट्रांसप्लांट हैं। आप ये समझिए कि कुछ ट्रांसप्लांट ऐसे हैं जो कि खून की बीमारियों को क्योर देते हैं, पर ये क्योर हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस से इसकी कॉस्ट नहीं कम होती है। तो थैलेसीमिया मेजर या एप्लास्टिनिमिया बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, ये ऐसी कंडीशन है जिनमें कि हमें ये ट्रांसप्लांट करना चाहिए। जैसे जैसे कंट्री में हीमेटोलॉजी की सर्विसेज एस्टेब्लिश हो रही है, हीमेटोलॉजी सेंटर बन रहे हैं, ज़्यादा हीमेटोलॉजिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, वैसे वैसे ट्रांसप्लांट की जो फैसिलिटीज हैं बढ़ रही हैं। हमारे इस पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारे भी ट्रांसप्लांट का जो इतना स्कोप इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, उसकी कुछ भी वजह नहीं होगी, लेकिन रिलेटिवली हम शायद इस मामले में पीछे हैं। तो यहाँ के जो ट्रांसप्लांट के जो मरीज हैं, चाहे वो बच्चों का ट्रांसप्लांट हो चाहे वो बड़ों का ट्रांसप्लांट हो, उसके लिए फैमिली को जाना पड़ता है नीरज ज़्यादातर दिल्ली। पीजीआई में यहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन वो इतना जो डिमांड है उसकी रेशो को भी नहीं सॉरी उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत लंबी लिस्ट रहती है जो कई सालों तक की रहती है। प्रैक्टिकली ज़्यादातर लोगों को ट्रांसप्लांट मिल नहीं पाता है, और जब मिल पाता है ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको सही समय पर ट्रांसप्लांट नहीं मिले तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता है कि उसका ट्रांसप्लांट मिस हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा क्योर नहीं दे पाते हैं और उसका लाइफ स्पैन कम होता है। सो हमारे इस एरिया में, इसमें अगर शुरू करें हरियाणा, पंजाब, जे एंड के, हिमाचल, इस पार्ट ऑफ एडवाइन पार्ट ऑफ यूपी, उत्तराखंड, इस यहाँ पे ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम नहीं है। और हम जब जो मरीजों को ट्रांसप्लांट लिए तो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर उससे यहाँ पे दूर दराज इलाके में जाना। और ट्रांसप्लांट एक ऐसा नहीं है जो एक दिन का ऑपरेशन करवाए और घर वापस आ जाए। किडनी ट्रांसप्लांट में आपको 2 हफ्ते के लिए एडमिट रहना पड़ता है हॉस्पिटल, उसके बाद वापस आ जाते हैं। उसी तरह से ट्रांसप्लांट में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद मरीज फ्री हो जाता है। बट जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसमें 1 साल के लिए आपको हॉस्पिटल में बार बार आना पड़ता है।
क्लियर प्रोसीजर अगर आप अपने यहाँ नहीं कर पाएंगे तो बाहर जाके रहना करवाना कुछ लोग अगर आप लेंगे लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम रहेगी और यूजली मरीज जो है वो रिक्वेस्ट कर जाते हैं एंड वो ट्रांसप्लांट दे पाए। सो ट्रांसप्लांट अगर हमें मिलना चाहिए यहाँ के मरीजों को तो वो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में इस एरिया में मिलना चाहिए और ये एक इलाके की कमी रही है। और तकरीबन 2 साल पहले जब मेरा ये कुछ प्लान हुआ था कि मैं चंडीगढ़ की तरफ शिफ्ट करूँगा तो पारस हॉस्पिटल में जो हमारे हेड हैं उनकी टीम से आई वाज अप्रोच्ड बाय देम दैट वी मस्ट एस्टैब्लिश ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इन पारस हॉस्पिटल एंड एज पारस हॉस्पिटल हैज टू हेड इन मेनी ऑफ दी सुपर स्पेशलिटी चीफनेस। सो आई हैव अ प्राइड टू से कि हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू कर पाए हैं और हमने अभी 2 ट्रांसप्लांट हैं जो हमारे जो अभी घर वापस चले गए हैं ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स और ये माइलोमा के पेशेंट्स हैं मल्टीपल माइलोमा के और अभी हम एक एक्यूट मलेरिया किडनी का ट्रांसप्लांट करने वाले हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट वो पेशेंट अभी एडमिट होने जा रहा है देन एक प्लास्टिक एनीमिया पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट हम प्लान कर रहे हैं। तो मल्टीपल इसकी इंडिविजुअल होती हैं जिसमें थैलेसीमिया मेजर बच्चों में ए प्लस एनीमिया बच्चों में बोनर फेलियर सिकल सेल एनीमिया ये सब बीमारियाँ होती हैं जो कि जानलेवा होती हैं। ट्रांसप्लांट अगर सही समय से मिल जाए तो उसकी लाइफ बच जाती है और जो लाइफ लॉन्ग खर्चा होता है वो कम होता है और जो है रिइंबर्समेंट सिस्टम गवर्नमेंट की सपोर्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट एंड सपोर्ट प्रोग्राम वेरियस हॉस्पिटल्स ये जो है ट्रांसप्लांट अफोर्डेबल है इट्स नॉट अनअफोर्डेबल एस्पेशली कंपेयर टू दी ट्रीटमेंट विद ट्रांसप्लांट नॉट डायरेक्ट पेशेंट इज गिवन दी अदर सपोर्टिव ये तो हुए बच्चों के ट्रांसप्लांट। उसके अलावा ट्रांसप्लांट ब्लड कैंसर जो बच्चों और एडल्ट दोनों में किए जाते हैं एक्यूट माइलाइन लिकीमिया में लिम्फोब्लास्टिक लिकीमिया में मल्टीपल माइलोमा में एंड लिम्फोमास में ये ट्रांसप्लांट हम करते हैं जो है ज़्यादातर बीमारी को क्योर करने के लिए जब हमने कीमोथेरेपी दे दी जाती है तो उसके जब डिजीज कंट्रोल हो जाती है तो पैरामीटर्स होते हैं मरीज को पैरामीटर्स अगर वो मिलते हैं तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट करके सक्सेसफुल रहने से पेशेंट क्योर हो जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट अगर ऐसा है तो इसमें इसकी कमी क्यों हमारे यहाँ पे मेन कमी तो ये रही कि यहाँ पे कुछ सेंटर नहीं बने हेमटोलॉजी सेंटर नहीं बने हैं क्योंकि ये जो एक कृषि केयर होती है उसको एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है और ये जो हेमटोलॉजी सेंटर फॉर द ट्रांसप्लांट है उसके जो एंसिलरी डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत कम है और इस एरिया में और लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली है। बट नाउ आई थिंक पारस वी हैव वी आर ग्रेट प्राइड टू से दैट डॉक्टर दिलिंदर हैज बीन एबल टू एस्टैब्लिश द ट्रांसप्लांट सेटअप इन पारस हॉस्पिटल एंड we have now fully equipped the stem cell transplant component where we can perform allogeneic transplant, we can perform autologous transplant. We can also collect the stem cells for donor registry. That एक दूसरा एक aspect है transplant का कि आपको donors मिलते हैं चाहिए तो एक आज हमारे country में और countries की तरह यहाँ registries established हुई हैं तो I have a great pride to say that our center has been accepted by the donor registry जो यहाँ की लार्जेस्ट हेल्थ सेंट्री की ताकि उनको एक्सेप्ट किया है उन्होंने दैट आवर सेंटर विल बी वन ऑफ दी सेंटर्स इन दिस रीजन वेयर द स्टेम सेल डोनेशन विल बी डन एंड दी स्टेम सेल विल बी सप्लाइड एनीवेयर इन द कंट्री एंड इफ पॉसिबल रिक्वायर्ड सम टाइम अबाउट आल्सो। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ दी स्टेम सेल प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन पारस हॉस्पिटल। इसके लिए हमें सपोर्ट अदर देन हेमेटोलॉजी वी हैव दी ऑन्कोलॉजी बैकअप हियर where we are, it's not a one-man show, we need a team of the specialists to work. So I have Dr. Rajeshwar here with me, I have Dr. Jitesh with me, we have other surgical oncologists, we have traditional oncologists with us, and here is Dr. Puneet, who is a transfusion medicine specialist, he has been trained for PGI, and he is a great help in starting our transplant program, because he is the one who actually helped us to get the stem cells from the donors. एंड ये उसके लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमारे साथ और ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रांसप्लांट होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है 3 महीने 6 महीने और 1 साल तक पर उसके लिए हर एक के लिए आज हमारे पास मैनेजमेंट प्रोग्राम है और मोस्टली दीज पेशेंट्स डू रिकवर एंड दे रिकवर इन वेल एंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। देयर आर पेशेंट्स जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं उनकी शादी हो गई है बच्चे हो गए हैं एंड उनका परिवार हो गया है और आज वो जब भी कंटेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
ट्रांसप्लांट जो है लाइफ लॉन्ग नहीं कि दवाई लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट लेनी पड़ती है तकरीबन 3 से 6 महीने में लेनी पड़ती है, 1 साल के बाद जब पेशेंट रिकवर हो जाता है तो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। सो इट इज़ अ क्यूरेटिव विच गिव्स अ न्यू लीज़ ऑफ लाइफ टू द पेशेंट एंड इफ नॉट डू इट इन टाइम, नॉट डू इट इन प्रॉपर वे, देन द आउटकम इज ऑब्वियसली वेरी वीक। कॉस्ट cost may be an issue in the transplant because it is a very very intricate kind of work. It involves lot of infrastructure supports, lot of intricate processes, so the cost is an issue, but by and large the patients are able to get the transplant done either in the government institutions or through the insurance programs and other support programs. And I think today in India, a patient who needs a transplant should not be deprived of transplant because of money, because there are a lot of programs which are there to support the patient for the transplant. So I think every patient who needs a transplant must get a transplant, and now in Chandigarh we have that facility available. So the message that I want to give, we all want to give here, is that the patients of blood cancers, patients of blood diseases, whosoever needs a transplant must get a transplant done. Our center is one of the centers which are offering these facilities. The DJ hospital at present, maybe in future other centers will come up. So the transplant should be offered as and when it is required to be a patient. Nobody should be denied a transplant just because we do not have a trained person. We must get the facilities established in this area. And I think Paras has taken a lead in doing this, and I congratulate Dr. Steen. So, what are the conditions where stem cell helps? What are the conditions? So, जैसा मैं कह रहा था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो मल्टीपल माइलोमा में होते हैं, वो जो ब्लड कैंसर होता है। That's a muscles cancer, I think. Muscle नहीं, ब्लड कैंसर। Blood cancer. Blood जो जहाँ तक ट्रांसप्लांट है वो ब्लड कैंसर का इलाज है, मसल का कैंसर में तो कीमोथेरेपी होती है, उससे ठीक हो जाता है। तो ब्लड कैंसर है जो कई तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये एक्यूट ब्लड कैंसर होते हैं। फिर हमारे पास कुछ क्रॉनिक ब्लड कैंसर होते हैं जिसको कहते हैं CML, CLL, उसमें ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट को जरूर पड़ती है, हर एक को नहीं पड़ती है। देन हमारे पास एक सब एक्यूट तरह के कैंसर होते हैं ब्लड कैंसर, जिसको कहते हैं मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा, उसमें हमें तकरीबन हर मरीज को उसकी जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिजीज। Once it is required and once it, the disease is curable. जैसे मैंने कहा कि जिस patient को जो blood cancers हैं, उनमें से खासकर leukemia, lymphoma में ये जो transplant है, हम curative intent से करते हैं। उसमें अगर transplant हो जाता है तो curative है। Okay. इसमें कोई doubt नहीं है। Multiple myeloma या lymphoma में हम जब देते हैं, तो उसको ऐसे consolidation therapy भी देते हैं, जिसमें ये immediate curative नहीं होता है, but it has got a potential of curing the disease. विद इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स, अभी हमारे पास मॉडिफाइड वे ऑफ ट्रांसप्लांट्स आ गए हैं, जिसको कहते हैं कार टी सेल थेरेपी, विच एक्चुअली इज लाइक इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्योरिंग द डिजीज विद द ट्रांसप्लांट इन द सब एक्यूट क्रॉनिक ब्लड कैंसर आल्सो। स्टेम सेल जो थेरेपी है सर, इज इट सच 100% प्रूफ, फुल प्रूफ दैट विद इन 6 months टाइम इफ टेकन लाइक अ लॉन्ग जर्नी ऑफ द यू नो सर्जरी बेसिकली, सो इट इज क्योरेबल? तो स्टेम सेल थेरेपी ये एक अलग सा नाम है, मैं अभी हम बात कर रहे थे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अच्छा, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उसमें भी आऊंगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जैसे मैंने कहा क्यूरेटिव है, इसको करने में ये एक ऑपरेशन नहीं है, हम कुछ बॉडी का हिस्सा खोल के, पेट खोल के, छाती खोल के उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, हम पेशेंट के डोनर से स्टेम सेल ले रहे हैं, डोनर का ब्लड ले रहे हैं, उसका जो ब्लड है उसको लेके उसमें हम स्टेम सेल प्रोसेस करते हैं, कुछ हम स्टेम सेल निकाल के वो स्टेम सेल जो है वो हम मरीज को देते हैं। तो डोनर के लिए तो एक यूनिट ऑफ ब्लड ही दी उसको देनी पड़ती है, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, उससे हम स्टेम सेल निकाल लेते हैं, डोनर के लिए उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये डोनर के लिए एक सिर्फ ब्लड देने के बराबर होता है सर, ये उनमें से हम जो स्टेम सेल निकालते हैं वो स्टेम सेल हम पेशेंट को देते हैं, और वो पेशेंट को स्टेम सेल जो हम देते हैं उसके हम लाइन बनाते हैं, लाइन में उसको देते हैं वेन में डाल के, मेजर वेन में डाल के, मेजर वेसल में डाल के, और उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो स्टेम सेल, डोनर की जो स्टेम सेल्स हैं वो मरीज की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है,
आप सिंपल से एग्जांपल समझिए कि अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं राइस की एक जगह से दूसरी जगह पे, वैसे ही स्टेम सेल को एक जगह से लेके दूसरे मरीज के बॉडी में डाल रहे हैं तो वहां पे ग्रो करते हैं, और उसमें एनवायरमेंट बनाना पड़ता है कि वो ग्रो कर ले, उनको ग्रो करना अलाउ करते हैं, तो ग्रो करते हैं और जाके वो नए सिरे से एक नया जीवन शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट हूँ इस देश का, तो मैं तकरीबन ज्यादातर हेमेटोलॉजिस्ट को जानता हूँ। सो नंबर कहना तो फिर भी नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन इसके लिए काफी होने चाहिए। लेकिन जैसा कि हर चीज के बारे में होता है, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, मेरा ख्याल आपको मालूम होगा कि डॉक्टर्स इतने ज्यादा नंबर में है कि हमारे हर जगह प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर सारे डॉक्टर महाराष्ट्र और दिल्ली में कंसंट्रेटेड है, बाकी सिटीज में नहीं है। उसी तरह से ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत इंट्रिकेट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो वेल एस्टेब्लिश सिटीज हैं वहीं पे ही ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। चंडीगढ़ में हमें ट्रांसप्लांट एस्टेब्लिश करने में काफी मेहनत करनी पड़ी है, अभी तक हम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, हम बना रहे हैं। अगर फैसिलिटीज होती तो शायद ट्रांसप्लांट यहाँ पे शुरू हो गया होता। इट्स नॉट ईजी। सो यहाँ पे हर जगह ट्रांसप्लांट एस्टेब्लिश करना ईजी नहीं है, मुश्किल है। इसलिए वो जो हेमेटोलॉजिस्ट है वो वहाँ पे, खासकर जूनियर हेमेटोलॉजिस्ट वहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको ट्रांसप्लांट करना ईजी है। तो वो है महाराष्ट्र में या दिल्ली में, दूसरी जगह जाना उनको प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हमने ये मीटअप उठाया है कि हम यहाँ जो ये सेकेंड टाइप सिटी जो हमारे यहाँ चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली, वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट इज एन इशू हियर, जो ट्रांसप्लांट में आपको बताऊँ कैन वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूशन। मैं आर्मी हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसप्लांट किया, जब मैंने बैलोर में ट्रांसप्लांट शुरू किया था जहाँ पे मैंने सीखा है ट्रांसप्लांट, वहाँ पे ट्रांसप्लांट 15 लाख का होता था। ये बात कर रहा हूँ मैं 2009 15 लाख का। इंटरेस्टिंगली आज भी चाहे वो ट्रांसप्लांट पीजीआई में हो, चाहे वो ट्रांसप्लांट प्राइवेट स्कूल में हो, एक एलोपैथिक ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 15 लाख से कम नहीं हुई या ज्यादा भी नहीं हुई। सो अगर एक एलोपैथिक, ब्रॉडली कह रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है कोई मेरे इस बात पे कोई कैलकुलेशन करके कहे नहीं आपने ये ज्यादा है कम बता दी है, ऊपर नीचे हो सकती है। बट ब्रॉडली मैं जब किसी मरीज को कहता हूँ कि आपको ट्रांसप्लांट करना है और आपकी फैमिली में डोनर है एलोपैथिक ट्रांसप्लांट के लिए, आपको कम से कम 15 से 20 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं आया है कि हमारा एक मरीज जो है हिंदुस्तान में उसको कैसा सिस्टम हो कि वो किसी भी हॉस्पिटल जाए और उसका ट्रांसप्लांट फ्री हो जाए, एक्सेप्ट आर्मी हॉस्पिटल। इट्स अ प्राइड टू टेल आर्म फोर्सेस अपने मरीजों को, चाहे वो डिपेंडेंट हैं, फैमिलीज हैं, सबको ये फैसिलिटीज फ्री देती है। उसके अलावा चाहे वो एम्स हो, पीजीआई हो, कहीं भी फ्री नहीं होता है, समबडी हैज टू पे फॉर इट। सो एक मरीज जब जाता है पीजीआई में तो उसको भी तकरीबन 10-15 लाख है। वो सबसे अच्छा है, उसको अगर हम करवा सकते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, और इसको हम कहते हैं बैच रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जिसके रिजल्ट्स आर एक्सलेंट और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम रहती है। अगर किसी की फैमिली में नहीं है, मान लीजिए कि बच्चे आजकल एक एक ही होते हैं, तो फैमिली में अगर डोनर नहीं है तो वहाँ पर रजिस्ट्रीज हैं, देयर आर स्टिल रजिस्ट्रीज अवेलेबल इन दिस कंट्री। जैसे मैं कह रहा था कि जैसे ब्लड बैंक होते हैं, डोनर स्टेम से डोनर रजिस्ट्री होती है, वहाँ से हमें डोनर मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम उनके स्टेम से लेके हम ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसको कहते हैं अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होती है पर ट्रांसप्लांट हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।